आपको जो क्वेश्चन पूछना है। लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन इन्हीं टोको शीतल के ऊपर में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि परेशान होकर के वहां की बीजेपी सरकार, वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के कुछ लोग इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनामी भी कोई छोटी मोटी नहीं, ऐसा कह रहे हैं कि ये टोको शीतल जी सेक्स रैकेट चलाती है और इसका बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है, और इनके बगल में जो ये लेडीज बैठी है, महिला बैठी है, इनके द्वारा ये आरोप लगवाया गया कि टोको शीतल सेक्स रैकेट चलाती है। टोको शीतल मैम, आप लोग पुरजोर तरीके से पिछले दो ढाई महीनों से करप्शन के खिलाफ अरुणाचल में आवाज उठाती रही। आप लोगों का मांग था कि सीबीआई वगैरह को भेजा जाए, वहां पे ईडी भेज के उस करप्शन की जांच कराई जाए मुख्यमंत्री के खिलाफ में। बदले में यह दिया मिला आपको कि आपके खिलाफ ही एक षड्यंत्र रचा गया जहां पे सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश से कुछ यूथ्स के समूह, कुछ ग्रुप्स जब निकले थे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का नारा लिए, तीन दिन के उनके उन लोगों के पद यात्रा के बाद जब मुझे लगा कि वाकई में ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी इनका सपोर्ट करने के लिए निकल गई थी। तब से लेकर के मैं भी उनके साथ साथ पद यात्रा करते हुए हम आते रहे आगे। बहुत सारी कोशिशें की गई, तो जितने मेंबर्स हम आ रहे उनमें से किसी को पकड़ते नहीं है ये लोग। सीधा मुझ पे ही वार करता रहा। आज तक ना प्रेसिडेंट साहब के ऊपर उन लोगों ने कुछ बोला, ना जनरल सेक्रेटरी साहब के ऊपर बोला, ना किसी भी मेंबर के ऊपर बोला। जो भी बोला सिर्फ मेरे ऊपर ही बोला। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रोमिनेंट फेस थी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की, दिल्ली के जंतर मंतर पे आपका फेस था, आप लगातार सरकार को परेशानी में डाल रही थी, यही वजह है। लेकिन ये सेक्स रैकेट का किस तरह से आप पे आरोप बढ़ा गया, आपके खिलाफ एफआईआर की गई, ये पूरा मामला कैसे हुआ? जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैं वहां से चल के आ रही थी तो वहां से लखनऊ से हमारा जो भाई अखिलेश प्रताप जी है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया हमारे पीछे कि ये जो टोको शीतल है ये पहले सेक्स रैकेट चलाती थी। सबसे पहले तो उनके मुंह से सुना ये शब्द मैंने। उसके बाद में फिर मुझे हमारे एक सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब ने ओवर फोन बताया कि आपके अगेंस्ट ये षड्यंत्र रची जा रही है कि आप सेक्स रैकेट चलाती थी बोल के आपको बदनाम करने के लिए कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया जा रहा है, पेमेंट बांटे जा रहे हैं, ऐसा उनको सुनने में आया, उन्होंने बताया। उसके बाद में मुझे एक वीडियो आता है, इनका जो भाई साहब होता है वो बोलता है कि तुम गंदी औरत हो, तुमको मैं सरा दूंगी, कीड़ा मकोड़ों से काट के जेल में ये करूंगी वो। उसके बाद ये मैडम आती है एपीएन लाइव 24 के पेज पे और इन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए, तो उसके आधार पर फिर इन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाया वहां, फिर मुझे सम्मन इशू करवाया। मैं इतनी गंदी राजनीति, इन्होंने साफ तौर पे इन पे जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं जिसका सबूत इन्होंने पेश किया है कि ये जो हमारे सामने बैठी हुई है, इनको दिखाइए, ये जो हमारे सामने बैठी हुई है, इन्होंने टोको शीतल के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये देह व्यापार हम लोगों से करवाती थी। किसके कहने पे लगाया, क्यों लगाया, ये इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? आपने पहले इन पे आरोप लगाया, वो पहले ये बताइए कि आपने आरोप लगाया कि ये सेक्स रैकेट चलाती है और आपको इन्होंने इस्तेमाल किया, आपको किसी ग्राहक के पास भेजा, आपने ये किसके दबाव में लगाया? अब आप कह रहे हैं कि झूठा इल्जाम लगाया, आखिर ये किसके दबाव में इल्जाम लगाया? ये जो सवाल जो इसका अपने उल्लेख था, वो तीनों थोड़ा आराम से बोलिएगा और थोड़ा लाउडली, मतलब वो तीनों का वजह से। कौन तीनों, नाम बताइए। नाम है ये मीना बगन और ये टोको शांति और ये टोको। ये तीनों कौन है? नहीं, अन्ना चले किसी पार्टी से हैं या वैसे ही हैं, किसी से जुड़े हुए हैं, कौन है लोग को पता चला चाहिए कौन है तीनों? बीजेपी का पार्टी। हाँ, तो ये बताइए बीजेपी से जुड़े हुए तीनों लोग हैं, ये आपको पता है? इन तीनों ने आपसे क्या कहा कि आपको क्या करना है? मुझे बोला कि शीतल का ऊपर में एक दानव होते ना, किसकी? इशू बना के थाना में दे दो, ऐसे बोलो बोला कि वो सेक्स रैकेट चलाता है। अच्छा, तो आपको आपको लगता है ये सेक्स रैकेट चलाती है? मेरा ख्याल से कुछ भी नहीं, क्यों बोलते हम दोनों कुछ भी दुश्मन भी नहीं है, आगे भी क्या है, कल भी क्या, हम दोनों कुछ भी तो आपने ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया इन पे, किसके दबाव में, और क्या पैसों के खातिर ये सब करी आपने? जी मुझे पांच लाख मौका दिया, मैं तो
बदनाम करना है। 5 लाख ऑफर दिया इनको बदनाम करने के लिए, कितने पैसे एडवांस दिए? 1 लाख। 1 लाख एडवांस दिया, और 4 लाख कब मिलता आपको? 4 लाख जब काम खत्म होगा तभी मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये देख रहे, ये मौजूदा बीजेपी की राजनीति आप देख लीजिए। एक ये भी महिला है, मैं कह सकता हूं कि सीट ऑलमोस्ट हायर ले रही, जो पूरे 2-2.5 महीने से लड़ रही है अरुणाचल में करप्शन के खिलाफ, और कई बार ये मुद्दा उठा कि अगर करप्शन नहीं है तो बीजेपी ये सरकार है केंद्र में, सीबीआई की तो मांग कर रही है। ये कौन सा कह रही है कि मुझे अरुणाचल का मुख्यमंत्री बना दो पेमा खांडू की जगह पे? एक आम जनता का अधिकार है उसका आवाज उठाना, वो मांग कर रहा है कि वहां पे बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हुआ है, पूरे सबूत लेके ये बैठी हुई थी जंतर मंतर में, और एवज में इनसे कहा, इनपे आप जब कुछ भी नजर नहीं आया तो सेक्स रैकेट चलाने जैसा एक संगीन आरोप, गंभीर आरोप और घृणित आरोप इनपे लगा दिया जाता है। फिर आपको 1 लाख रुपए दे दिया, फिर आपने इल्जाम लगाया इनपे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एकदम तो उसको तो कर दिया मैंने, लेकिन वो लोग अभी वो लोग का बोलने लगा तो कुछ अलग ही है। जब मैं पैसा का बात करते पैसा घुमा देता तो आपने आपने जो आरोप लगाया उस आरोप से अब आप इसलिए पलट रही हैं कि 4 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं इसलिए पलट रही हैं, या आपकी सद्बुद्धि खुल गई, ये बताइए मुझे। नहीं, जो उसको हम सही बोलेगा कि हम मीडिया में इसका भी बदनाम ना हो, मेरा तो बदनाम नहीं। नहीं, आपने तो इनको बदनाम कर दिया। अगर अगर आप इत्र की खुशबू हवा में फेंकेंगे तो उसकी खुशबू उड़ेगी, उस खुशबू को दोबारा बोतल में बंद नहीं किया जा सकता, आप समझती है ना। तो आप अपने आप को भी बदनाम किया और इनको तो बदनाम किया ही। आपकी कितनी पहचान है हमें नहीं पता, लेकिन इनकी एक पहचान थी अरुणाचल के अंदर में। तो ये सब आपने पैसे के लिए सिर्फ किया, हाँ या ना? नहीं, एक्चुअली बताइए, मैं आपसे एक्चुअली पूछ रहा हूँ। यहाँ पे कोई कैद नहीं किया ना, ये 25 लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, से खुल के बताओ। हम पैसा के लिए ऐसा सब किए, कितने लोगों का, कितने लड़कियां थी आप इस बदनाम को करने के लिए, कितने लड़की को चुना गया था, उनके नाम क्या क्या थे? चुने में तो हम अकेला चुना, चुने में तो बोल रहे आप अकेले आए, क्या मजबूरी थी? मजबूरी वही कि मेरा बेटा बीमार था ना, मुझे पैसा जरूरी था, पैसा का था, तो लोग मना पापा बोल दिया, बेका में आ गया, तो हम बोल दिया कि इसको फंसा नहीं, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, इसको फंसाना नहीं। आपने अभी बोला कि जिन्होंने फंसाने के लिए आपको बोला वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, आपको ये चीज पता है? मुझे पता नहीं था, मुझे लास्ट में पता चला। मतलब अभी आप बता रही है कि वो बीजेपी से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हो बीजेपी से थे, बीजेपी से थे ना जी। तो फिर आपको क्या कहा उन्होंने, इस पे इल्जाम लगा, उसके बाद फिर क्या करना था आपको? इसको इल्जाम डालो कि मतलब इसको मतलब ये हारना, उसको हारना है, नहीं जीतना है, बोलते उस टाइप का, हमको ऐसे हारना है और उसको इतना वापस आना है, पूरे 15 लाख अरुणाचल की आबादी, एक खूबसूरत प्रदेश, सीधे साधे लोग आवाज उठा रहे हैं करप्शन के खिलाफ में। लानत है ऐसी राजनीति पे, ऐसे राजनीति करने वालों पे, और खास करके उस वक्त में जब मौजूदा बीजेपी को एक बहुत मोटा चंदा आता है, सारे कॉर्पोरेट के चंदे बीजेपी के खाते में आते हैं 80% से ज्यादा, तो उस पैसे का इस्तेमाल क्या इन जैसे कामों के लिए किया जाता है कि विपक्ष का कोई भी लोग या विरोध की आवाज उठाए या राजनीति करे, अगर वो काबू में ना आए तो ऐसे घृणित इल्जाम उस पर लगा दो कि समाज में वो मुंह दिखाने लायक ना बचे। लेकिन अगर इनका आरोप सही है तो इस देश की जनता फैसला करेगी, और अरुणाचल की जनता को फैसला जरूर करना चाहिए कि उनके प्रदेश को किस दिशा में ले जा रही है वहां की पार्टी, वहां की मौजूदा सरकार। वो अरविंद जी, वो जो महिला है ना, उसमें से एक महिला स्टेट बीजेपी महिला मोर्चा की 22 प्रेसिडेंट है, और दूसरी जो है वो स्टेट सेक्रेटरी है बीजेपी की। आप पे FIR भी किया गया अरुणाचल में? हाँ, मुझ पे FIR तो इनके स्टेटमेंट पे किया ना। तो ये स्टेटमेंट तो ये फंसा तो आपको हाँ, यही रही थी ना, किसके हाँ, कहने में फंसा रही हो? ये फंसा रही थी, अभी ये खुद बोल रही कि इनको फंसाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 5 लाख का, और जो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जिसने दिया था, मैं उन्हीं दोनों के बारे में आपको बता रही हूँ। एक स्टेट महिला मोर्चा की 22 प्रेसिडेंट है, और एक स्टेट बीजेपी की सेक्रेटरी है, वो दो लेडीज, और तीसरी वाली लेडीज वो भी पेमेंट बेसिस में किया होगा। आपको एकदम से ये ख्याल कैसे आया कि अब इनके, मैं जो झूठ बोल रही हूँ, इनको फंसा रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? आपके बेटे मतलब पहले बता रही है बेटे का तबीयत ठीक नहीं था, अब क्या मतलब एकदम से ये आपको सद्बुद्धि कहां से आई?
ये सब बातें सब मेरा फैमिली का तरफ से सब सपोर्ट दिया ना, आप सही है सही जवाब दो। आपने फैमिली में बोला कि मैं ये गलत काम करने जा रही हूँ, मैंने गलत करके ये टोको शीतल को फंसाया? ये लोग पता भी नहीं चाहे हम ऐसे करेगा कुछ भी, तुतली पता नहीं था। जिस दिन हम जब हमको टाना से बस्ती लेके गया, मेरा ब्रदर लोताओं को बहुत मारा भी है, जूत तो क्यों मारेगा, बहुत मारा है, तो मुझे बोला कि तुम सही बताओ ना, आप सही बताएगा हम लोग साथ देगा, जितना पाप भी है साथ देगा। उसी तब में हमको सोचा कि एक्चुअली हम तो मरना चाहता था, लेकिन हम नहीं मारेगा कि उसे सही बात को करके हम मरने से मारेगा, वही है मेरा। नहीं, मैं आपको ऑन कैमरा कहता हूँ कि मरने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान गलती करे और उसको तुरंत ठीक कर ले तो उस गलती को ऐसा नहीं कुछ कहना चाहिए, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसको आप कर तो बैठते हैं लेकिन दूसरे की जिंदगी के लिए वो बहुत जहर बन जाता है। ये आपको समझ में आ रही है? अगर आप शादीशुदा नहीं होती, एक लड़की होती, आपको कोई बदनाम करता, किसी के साथ नाम जोड़ता और आपको कहता कि ये कोठा चलाती है, ब्रदर चलाती है, आपको कैसा लगता है? ये कोई आपके मम्मी के लिए ऐसा बोले, कोई आपके भाभी के लिए ऐसा बोले, जबकि आपकी कोई पब्लिक पहचान नहीं है, फिर कैसा लगेगा? ये वो तो बहुत खराब होगा। अच्छा नहीं, दिल में आप एक औरत है ना जी, आप एक औरत है ना, आपका एक बच्चा भी है ना जी, तो एक औरत के लिए सोचा नहीं कि मैं इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दूं? ये दिमाग में नहीं आया? मेरा तो ऐसे कुछ भी सोच नहीं थे। सही, आप सही पूछे, ऐसे में मेरा कुछ भी दिमाग मतलब एक्चुअली इतना तभी मैं नहीं सोचा, आप सही पूछे, हम कुछ भी नहीं सोचे कि मेरा बेटा का मतलब पैसा का लालच में मेरा दिमाग वहां चला गया। इंसान की मजबूरी उसे कुछ ऐसा करवा देती है जिसका अफसोस उसको ताउम्र रहता है। और मैं तो इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि देखिए कि राजनीति किस दलदल में जा चुकी है, जहां पे एक महिला सिर्फ करप्शन के खिलाफ अगर आवाज उठा रही है और जब उसकी आवाज को बंद करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है तो हायर किया जाता है इन जैसे लड़कियों को। और इनकी मजबूरी यह है कि एक गरीब तबके की होंगी, इनके पास पैसा नहीं था बच्चों के इलाज के लिए, अपना बेटा इनका बीमार था, जिनके जमीन को खरीदा गया, हो सकता है कि ये जमीन बेचने के लिए मजबूर हो, मैं इनका भी क्या दोष दूं, लेकिन उस मजबूर लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है ये कोई मौजूदा बीजेपी सरकार से पूछे, क्योंकि ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे। तो शीतल मैम, तो आपने अब तो सारा खुलासा हो गया है कि ये इल्जाम तो था सरासर गलत, कई सारी कहानियां इन्होंने बताई कि हमें इस तरह से किया गया, बंद करके रखा गया। अब आप दोबारा आपने FIR करी है, काउंटर FIR करी है आपने? हाँ, ये अरविंद जी FIR तैयार है, ये FIR तैयार है, ये मैं अपने नाम से कर रही हूँ, ये इनके नाम से है, तो ये हम कल यहाँ से किसी को भेज रहे हैं, ये हार्ड कॉपी हम यहाँ से ऑलरेडी हम ईमेल पे भेज चुके हैं। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि समन भी इशू हुआ आपके नाम से? समन मेरे नाम से इशू हुई थी और उसका जवाब भी मैं दे चुकी हूँ, वो 4 तारीख को समन इशू हुई थी मेरे नाम से, अक्टूबर के 4 तारीख को, उस पे मैं जवाब दे चुकी हूँ कि मैं जब आऊंगी तो कॉपरेट करूंगी, पहले मैं अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर लूं, फिर मैं आऊंगी, फिर मैं आपसे मिलकर बात करूंगी। अभी उसके बाद अभी आज के डेट में ये डेवलपमेंट हुई है, ये बहन मतलब इसको हम क्या कहेंगे, हालात की मारी बोलेंगे या क्या कहेंगे, या इसकी इसकी स्थिति जो थी हम भी समझ सकते, बच्चा बीमार हॉस्पिटल में तड़प रहा हो और माँ को पैसों की जरूरत होती है तो उसको इंसानियत समझ में नहीं आती है, तो उस वक्त इन्होंने जो भी कुछ उल्टा सीधा कदम उठाए होंगे, मैं उसके लिए मैं कभी भी मन में इसके लिए कोई वो दाग नहीं रख दूंगी, लेकिन इनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर मुझे बर्बाद करने के चक्कर में इनको पूरा बर्बाद कर दिया। खैर, मैं पोलाद की बनी हुई हूँ, इतनी कमजोर भी नहीं हूँ कि ऐसे 10-12 लोगों को और खड़ा कर दो, दर्जन लोगों को खड़ा कर दो, तब भी मैं हिलने वाली नहीं हूँ, लेकिन इसके चक्कर में इनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हुई है। अब मैं चाहूंगी, जनता से भी अपील करना चाहूंगी कि इनके लिए वो खड़े हो जाए, इनके लिए लड़ाई लड़े, इनको जस्टिस दिलाए, इनको न्याय दिलाए, इनको मोहरा बना करके मुझे बर्बाद करने के चक्कर में अरविंद जी ये बर्बाद हुई है। जनता से मैं एक और अपील करूंगा कि आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे इनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया तो क्या मजबूर लोगों को इसलिए बनाया जा रहा है, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, ताकि पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपने खिलाफ विरोध की आवाज को दबाने के लिए इन जैसे मजबूर महिला का इस्तेमाल कर सके और जो उसके खिलाफ आवाज उठाए उसकी आवाज को दबाने के लिए उसको समाज में बदनाम करे, उसको अपने प्रदेश में बदनाम करे। एक बात बताइए मैम, आपने जो काम किया है उसकी तो खुशबू जाने में बहुत टाइम लगेगी, जो आपने फैला दिया हवा में, अब आप इनके लिए
लोगों को बताने का काम करेंगे कि ये गलत था और आपने सिर्फ मजबूरी और मजबूरी में ये काम उठाया, ये फैसला उठाया। मैं वही बोलना चाहते हैं कि तो उसको भी कोई भी मत बोल दो कि तो ऐसे कुछ भी नहीं। एक्चुअली हम लोग खुद घूमने गए मुंबई में, मैं खुद कॉन्टेक्ट कर दी गई, दीदी का कोई साथ नहीं है उसको, प्लीज प्लीज ना उसको हम हाथ जोड़ते हैं कि उसको घूमने मत। अब आपको धमकियां मिल रही है, आप इन तक पहुंच गए, अब आपको धमकियां मिल रही है कि तुम वहां कैसे मिल गए जाके। हाँ धमकियां तो बहुत मिलते, कल भी आया, कल भी आया था धमकी। क्या धमकी दे रहे थे? अभी वो मुझे दिल्ली है बोल के वो लोग कैसे पता चला, मुझे तो पता नहीं। आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं तो फ्लाइट से आया। फ्लाइट से आई तो इनके कॉन्टेक्ट, इनसे कॉन्टेक्ट किया आपने? जी मैं कॉन्टेक्ट करके आए, दीदी से कॉन्टेक्ट करके आए, तो उन्हें तो बहुत दे रहा है, कल से दे रहे हैं, अभी भी है व्हाट्सएप में। मैं दीदी को भी बोला, दीदी देखो पूरा अभी हम वो क्या कर रहे हैं ना, तो अभी वो लोग तो सब खून गर्म होके बैठे कि हमको पेस टू पेस बात करो ना, सामने में आके बात करो, तुम दिल्ली में, अगर तुम दिल्ली में है तो दिल्ली में आएगा बोल रहे वो लोग। आखिर में मैं अरुणाचल की जनता से एक चीज अपील करना चाहता हूं कि एक महिला बैठी हुई है आपके प्रदेश में जो करप्शन है उसके खिलाफ है, और लग रहा है अब कि इनका आरोप सही है, अगर इनका आरोप सही नहीं होता तो इनपे इतने हमले नहीं करवाए जाते, और अगर इनपे हमला करवाया जा रहा है चाहे इनकी इमेज को टार्निश करने की चाहे इनको बर्बाद करने की, तो इसका मतलब है कि बिना आग का धुआं नहीं उठ रहा। अरुणाचल की जनता एक चीज याद रखे कि आप तो अरुणाचल में बैठे होंगे और सुकून की नींद सो रहे होंगे घर में, लेकिन एक महिला आपके लिए अकेली लड़ रही है दिल्ली में बैठ के, इनका साथ देना जरूरी है, क्योंकि जो जिस घृणित काम को किया है मौजूदा वक्त में, यानी कि इनकी कैरेक्टर को खराब करने की, इनको पूरी तरह से सामाजिक तौर पर और इनको बदनाम करने की, इसका जवाब तो अरुणाचल की जनता को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर जनता के लिए लड़ रही है तो जनता का ही फर्ज बनता है कि अगर इनको बदनाम करने की साजिश रची गई है, और रची क्या गई है, सामने सबूत बैठी है, जिन्होंने कहा कि हमसे ये करवाया गया। मैं ये अरुणाचल की जनता पे छोड़ता हूं कि आने वाले वक्त में सिर्फ आपके पास एक हथियार रहता है, वोट का। जवाब जरूर दीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको भी मजबूर किया जाएगा और ऐसे ऐसे घृणित काम कराए जाएंगे। मैं इस बहन का कोई दोष नहीं देता हूं, इसकी मजबूरी थी, अपने प्रदेश में उसको चुनिए तो देश की जनता को मजबूर नहीं मगरूर बनाए। नमस्कार, थैंक यू।